फ्रेंड्स, मोनिका हेयर। मोनिका'स किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टी है, संडे का दिन है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं पहले आलू बॉयल करूं, उनको मैश करूं, फिर उनका मसाला बनाऊं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इंस्टेंटली आलू का पराठा बनाया जाए। और कैसे बना रही हूँ आप भी देखिए। तो आलू का इंस्टेंट पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो सामान लिया है वो इस तरह है। 200 ग्राम मैंने आटा लिया है, 50 ग्राम मैदा, 2 आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू हैं, इनको मैंने छील लिया है, 1 बड़ा प्याज बारीक काट के लिया है, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स और हरा धनिया लिया है। तो इन्हीं सब से हम ये आलू का पराठा बनाएंगे। सबसे पहले आलू हम ग्रेट कर लेंगे, बारीक साइड से ग्रेट ना करें इनको। ये देखिए दोनों आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तो इसके बाद इसका डो लगाएंगे हम। एक बाउल में सबसे पहले मैं आटा डाल रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाला है। मैदा मैंने इसलिए डाला है कि इससे बहुत अच्छा क्रिस्प आता है पराठे में, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सिर्फ आटे का ही पराठा बना सकते हैं। तो अब जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसमें, प्याज डाल दिया है, और प्याज डालने के बाद इसमें डाल रही हूं हरा धनिया। और ये अदरक, हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, हाफ से थोड़ा कम ही डाला है स्पून इसमें मैंने जीरे का। और जीरे के बाद इसमें नमक डाल रही हूं। ये सारे मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और 1 स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का मैंने डाला है। और अब पहले पानी डाले के बिना ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही पानी डाल के इसका एक हार्ड डो लगाएंगे हम। हार्ड डो मैंने इसलिए बोला है कि आलू में भी वाटर कंटेंट बहुत होता है। अगर हम इसका डो पहले ही बहुत सॉफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद आलू भी अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगे, तो ये डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले हम इसका जो डॉट तैयार करेंगे वो थोड़ा हार्ड ही करेंगे और उसको 5-10 मिनट के लिए आप रख दें थोड़ा ऑयल लगा के, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप ही सॉफ्ट हो गया है। और जितना ये मैंने मटेरियल लिया है इसमें 7 पराठे मेरे बनेंगे आराम से। ये देखिए मैंने 7 बॉल्स इसके बना के रख लिए हैं, तो इनको आप मनचाही शेप में बेल सकते हैं। तो पहला पराठा मैं लच्छे पराठे के टाइप बनाने जा रही हूँ। बिकॉज ये प्लेन डो नहीं है, इसमें बहुत सारा मटेरियल हमने डाला है, तो बहुत सारी प्लीट्स तो इसकी नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको लच्छा पराठा टाइप बनाया जाए। और बस इस तरह से करके इसको रोल कर लें और इसकी साइड्स को अच्छे से बंद कर दें। और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के, और जिस साइड पे हमने ऑयल लगाया है वो साइड हम नीचे डालेंगे तवे पे। और बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है। और अगला पराठा मैं स्क्वायर शेप में बनाने लगी हूँ। इस तरह से ये तो आप अपनी मनचाही शेप कोई भी बना सकते हैं पराठे की। तो इसको अब पलट देते हैं।
मीडियम फ्लेम मैंने इसलिए बोला है कि हमने इसमें रॉ पोटैटो का यूज़ किया है, तो उसको पकने के लिए टाइम भी चाहिए। और बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर इसको पकने दें। और इस तरह से ये पराठा मैंने स्क्वेयर शेप में बेल लिया है और थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इस पराठे को पलट दें और धीरे धीरे से प्रेस करते हुए इसको बनाएं, सो दैट ये हर तरफ से इवनली रेडिश ब्राउन हो। बहुत ज्यादा ऑयल का इसमें मैं यूज नहीं कर रही हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा ऑयल पसंद नहीं है पराठे में। तो ये देखिए पराठे की कितनी अच्छी शक्ल बनी है। थोड़ा सा इसमें सब्र रखना पड़ता है, बस इसी तरह से इसको धीरे धीरे पलटते हुए बनाते जाएं। और अब यह पराठा एकदम से सिक चुका है और बनकर तैयार है, तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी। देसी घी लगाने से एक तो पराठे के ऊपर बहुत ही बढ़िया सी शाइनिंग आती है और अरोमा तो इसका होता ही है बहुत बढ़िया और लाजवाब। और इस तरह से क्रश करके आप देख सकते हैं कि यह पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखिए, तो अब हम बनाते हैं अगला पराठा सेम इसी तरह से। इसको भी इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। पसंद आती है आपको ये रेसिपी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो बस ये पराठा भी बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी देसी घी लगा रही हूँ। अगर आपको पसंद है देसी घी लगाना तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर दें और किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय करें। मैं यहाँ पर दही के साथ सर्व कर रही हूँ आज आलू के पराठे, लेकिन मक्खन हो तो बात ही क्या है। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।